राजधानी भोपाल में क्राइम कंट्रोल करने में जुटे भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र ने चोरी नकबचनी की घटनाओं का बड़ा खुलासा किया। भोपाल कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों ने नकबचनी की 16 वारदातों को अंजाम दिया, जिनके पास से करीब 50 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। कोहेफिजा पुलिस ने रविवार और सोमवार के दरमियानी रात जिस बदमाश को देशवी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था, वो अंतर्राज्यीय नकबचन गिरोह का सदस्य निकला। पुलिस ने उसके साथी को गिरफ्तार कर कब्जे से एक देशवी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों ने भोपाल में नकबचनी की 16 वारदात करना कबूल किया है। आरोपियों के कब्जे से 34 लाख रुपये की कीमत के जेवर समेत 50 लाख रुपये का माल बरामद किया गया है। आरोपियों ने चोरी के रुपयों से 8 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी। चोरियों को लेकर के पुलिस ने एक विशेष अभियान चला और खास तौर पे चोरों और नकबजनों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस को, जैसा कि कल आपसे चर्चा हुई थी, कल लगभग 50 लाख रुपए की एक बड़ी चोरियाँ, लगभग 15 चोरियाँ पकड़ी गई थी और उन 15 चोरियों में कई एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ था। उसी कड़ी में आज फिर 10 नई चोरियाँ, जो पुरानी चोरियाँ हैं उनका खुलासा हुआ है और इसमें 3 खास तौर पे जो बड़े अपराधी हैं उनको पकड़ा गया है। उनसे लगभग 50 लाख रुपए की आसपास की कुल सामग्री और खास तौर पे जो चोरी गई राशि जब्त हुई है, इसमें 2 मंदिरों की भी चोरियाँ हैं और बाकी जो आभूषण हैं और चांदी के जो सामान हैं वो सारी चीज़ें इसमें जब्त की हैं। इसमें खासतौर पर DCP जुनवन प्रियंका इनके नेतृत्व में विशेष तौर पर टीम ने बेहतर काम किया है। एडिशनल DCP और वहाँ पे ACP के साथ साथ उसमें रातीबर थाने के अंतर्गत इसमें कई चोरों को पकड़ा गया है। इसमें जो चोरियाँ हुई हैं वो बाग शिवनिया, रातीबर, TT नगर, कमला नगर, इन क्षेत्रों में भी हुई हैं। अलग अलग जगहों की वारदातें हैं। इसमें इन आरोपियों से, इसमें 2 आरोपियों के क्रिमिनल पुराना बैकग्राउंड भी है। इनसे और पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि कुछ और पुरानी नकबजनियाँ इसमें खुल सकती हैं। बहरहाल इनका हिस्ट्री फिट और बाकी पुलिस के जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन हो करके पुलिस इन पर और अंकुश और शिकंजा कसेगी और खास तौर पे पुलिस का जो अभियान है जारी रहेगा। इसमें पूरी टीम को पुरस्कार से 30,000 रुपये पुरस्कार से पुरस्कृत किया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्रा ने नकबजन गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि कोहेफिजा पुलिस ने 25-26 अगस्त की दरमियानी रात पंचवटी पावर प्लांट के पास से महोबा उत्तर प्रदेश निवासी नसीर खान को एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा था। वर्तमान में वो परवाखेड़ा ईटखेड़ी में रह रहा है। अभी तो इनके पास से बरामद किया गया, लेकिन कुछ लोगों के नाम भी पुलिस अभी इस पर बात कर रही है कि अगर इन्होंने कुछ और को बेचा हो या कुछ और सामग्री या कुछ और नकबजनियाँ इनसे मिलती हैं तो पुलिस इसके बारे में आगे तस्दीक करेगी। कितनी कीमत का माल है ये? लगभग 45 से 50 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। इसमें कुल 5 आरोपी हैं, लेकिन इन 5 आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है। ये यहीं भोपाल के ही, ये आप इस तरह से कहें कि पुलिस इतना जल्दी जल्दी रिकवरी कर रही है। इसमें चोरियाँ तत्काल की नहीं है, चोरियाँ पुरानी भी हैं। ये चोरियाँ लंबे समय से चोरियाँ जो हैं, अगर हम ओवरऑल अभी हम लोग समीक्षा कर रहे थे, लगातार जो खासतौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है उसमें कमी आई है। प्रॉपर्टी ऑफेंस में अगर ओवरऑल हम पूरे किसी खास सब रिविजन की या पूरे अगर कमिश्नरेट की बात करें तो महत्वपूर्ण जो घटक हैं, जो संवेदनशील वेट्स होते हैं, उसमें कमी आई है। पुलिस इसलिए कमी आई है कि पुलिस अगर तत्काल उन पर तत्परता से कार्रवाई करती है, पकड़ती है या फिर उसमें सजा होती है तो इससे अपराधियों के हौसले गिरते हैं। बहरहाल पुलिस ने इसको बहुत ही प्राइम फोकस में रखा है, बहुत ही इसको मुख्य अपने टारगेट जो केंद्र बिंदु में रखा है कि ज़्यादा फायदा इसमें कार्रवाई हो। नकबजनियाँ निश्चित तौर पर हुई है उन घरों में हुई हैं जिन घरों में जो शहर के थोड़ा आउटर इलाके में हैं, जिन इलाकों में जो घर सूने हैं उन घरों में हुआ है। और इसको लेकर के मैं खासतौर पर ये बात भी लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि पुलिस ने पिछले दिनों किराएदारों की, गार्ड्स की चेकिंग का अभियान भी चलाया है। अभी आज से एक सप्ताह तक, अगले एक सप्ताह तक पुलिस इसके लिए विशेष अभियान शुरू कर रही है, जिसमें खास तौर पर सभी से पुलिस का, खास तौर पर सभी कॉलोनियों में पुलिस इस बात के लिए वहां पर अभियान चलाएगी, जिसमें इस बात का जिक्र होगा कि वहां पर जो जितने गार्ड्स हैं, खास तौर पर जो वहां पर नौकर हैं, जो किराएदार हैं, इनका वेरिफिकेशन कराएँ, वहाँ पर देखें कि जो सुरक्षा, अगर कैंपस कवर्ड है तो वहाँ पर CCTV लगे हैं कि नहीं, वहाँ पर पर्याप्त गार्ड्स हैं कि नहीं, उनकी जानकारी पुलिस तक दें। यह जो फॉर्म है थानों से प्राप्त किया जा सकता है, ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, सृजन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ कमिश्नरेट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम उसको गंभीरता से लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारियाँ उपलब्ध कराएं, क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना होने की स्थिति में
यह जो जानकारी हम थाने को देते हैं या व्यक्ति का जो वेरिफिकेशन होता है वो अपराधियों तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण हथियार साबित होता है, इसलिए इसको हम गंभीरता से लें और आने वाले दिनों में पुलिस की लगातार इस कार्रवाई से और इस तरह के अपराधियों को रोकेंगे। अफरोज खान के खिलाफ थाना गौतम नगर, अशोका गार्डन, ऐश पार्क, पिपलानी, कोहे फिजा क्राइम ब्रांच एवं बेरागढ़ में एक दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। कई थानों में उसके स्थायी वारंट लंबित है। आरोपी छासी के थाना सीपरी बाजार के पूर्व के कई मामलों में फरार चल रहा है। नसीर खान अफरोज का भांजा लगता है। मामा भांजे मिलकर शहर में नकबचनी कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।